एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। या जमीन पे सोए हुए, बहुत गर्मी है इधर और पंखा तो ऐसा चल रहा है जैसे मानो कुछ हवा ही नहीं दे रहा हूँ। सारी खिड़कियाँ से बहुत बहुत गर्मी है भाई इधर। लॉकडाउन में मॉर्निंग का नाश्ता देखो, हम लोग एकदम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ज़्यादा कुकिंग ना करना पड़े, थोड़ा कम रिसोर्सेस क्योंकि बाहर से कांटेक्ट कम करना है। तो कल हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था एंड यस, हमारे एरिया में बिग बास्केट भी डिलीवर नहीं करा जो पहले करता था। तो अभी हम लोगों ने जियो मार्ट से ऑर्डर किया है एंड दे डिलीवर द ऑर्डर एंड द सर्विस वॉज टू गुड। उन्होंने डिलीवरी डेट 31 मई को बताई थी और कल ही डिलीवर कर दिया था। बनाना या उसके बाद यहाँ हमने कल ये मिल्क ऑर्डर किया था, इसमें करेंगे और ये मेरा शेकर है, इसमें मिल्क और बनाना डालेंगे और थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डालेंगे, शेक करके पियेंगे। ये हमारा मॉर्निंग का नाश्ता। इग्नोर दैट कचरा, वो रात का है, वो बर्तन धुल जाएगा अभी अभी जस्ट उठे हैं। नाश्ता चाहिए अपने को। मैंने आपको बिहार के लोगों का दिखाया था, अभी आप ना पुणे के लोग को देखो, जस्ट वो डिसिप्लिन। इवन कचरा फेंकने जा रहे थे, लाइन में लगे हुए देखो, विथ वेल डिस्टेंस। कोई कहा नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, बट फिर भी दे आर मेंटेनिंग द डिस्टेंस। दिस इज द सेकेंड डे मॉर्निंग। अभी हम लोग नींबू का चाय बना रहे हैं, लेमन टी। बस हो गया। टेलिंग यू कि वो जो वीडियो था जो प्ले हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसका मीनिंग क्या था, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। कप टूट गया सुबह सुबह एंड देयर वी वर वाचिंग फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो। वो वहाँ हमारी नुकसान हो गया भाई सुबह सुबह। थोड़ा जोश में बोला था कि मैं आऊँगा तो पूरा एकदम जोश में काम करूँगा, लेकिन आप मेरा वर्किंग स्पीड देख लो कितना है मेरा। यहाँ पे मैंने कल के लिए 7 वर्क शेड्यूल किए थे और उसमें से किया कितना, सिर्फ 2। सही है लौंडे, सही है। क्या है ना कि काम तो करने का कर रहे हैं, पर क्योंकि 2 ढाई महीने फैमिली के साथ रह लिया तो काम करने में मन नहीं लग रहा। सो दैट्स द रीजन भाई। इवन दो यू नो आई हैव नोटेड डाउन ऑल दिस 7 वर्क्स, बट उसमें भी मैं प्रायोरिटी कर रहा हूँ। कौन अगर आज नहीं किया, किसको कल के लिए नहीं टाला जा सकता। दैट आई हैव डन, बट आज मैं ये सातों के सातों कर लूँगा और जो भी आज बचेगा वो भी करूँगा। आप ये ध्यान से अगर ये वीडियो देखो, तो वीडियो देखते के साथ नीचे जो लिखा हुआ है ना वो भी पढ़ो। लिखा हुआ अट्रैक्ट एम्पलीफाई कनेक्ट, देन हियर लिखते एडवर्टाइज हियर नाउ, ठीक है। उसके बाद ये आता है, फिर वही सेम लाइन लिखते है अट्रैक्ट एम्पलीफाई कनेक्ट एडवर्टाइज हियर नाउ। तो जो हम ह्यूमन ब्रेन है ना हमारी, हम बहुत आलसी है। हम अपनी कंफर्टेबिलिटी देखते हैं, हम सिर्फ वीडियो देख रहे थे, नीचे पढ़ ही नहीं रहते। दैट्स द रीजन वाई हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो सिर्फ मैं जितने देर था सिर्फ सारे टीवी पे सिर्फ ये वीडियो देख रहा था, नीचे वो लाइन पढ़ ही नहीं रहा। तो अगर आप अब वो वीडियो मेक सेंस करेगा, अभी मैं फिर से दिखाता हूँ, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट वीडियो इज सेइंग, ठीक है। एंड जस्ट रिलेट टू द वर्ड्स दैट आर देयर इन द वीडियो जो बॉटम पे है। अगर इसको हम पीछे से देखें, यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है। यस, यहां से अगर देखे तो लिखा हुआ, ये देखो सर्फिंग कर रहा है वो, और सर्फिंग करने के बाद देखो वो उस वेव में घिर गया वो, ठीक है, घिर गया। अब क्या हुआ, एक जो बोट है स्टीम बोट, उस सर्फर को खींच के आराम से ले जा रही है स्मूथली और वो तेजी से चल रहा है। और वो लाइन यही कहता है कि अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं तो हम पीपल को अट्रैक्ट करेंगे, आपके पोटेंशियल को एम्पलीफाई करेंगे एंड वी विल बी एबल टू कनेक्ट योर बिजनेस विद द पीपल। दैट्स द थिंग, मतलब अगर आप पूरा देखो पूरा एक वीडियो, तो पहले वो सर्फर गिरता है वेब से, फिर दूसरे में जब वो बोट आते हैं उसे लेने के लिए, तो बहुत स्मूथली चलता है। दैट इज व्हाट एन एडवर्टीजमेंट डू, ठीक है। जब भी आप कहीं एडवर्टाइज करते हैं तो आपकी जो भी जॉब्स होती है या जो भी कंपनी होती है उसको वो एम्पलीफाई करता है बिजनेस को, मतलब वो बढ़ाता है और लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करता है। तो वो वही दिखाया। एंड सोचो एक
एडवर्टीजमेंट लाने के लिए भी इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट देते, दैट इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू गाइस। बस इतना ही गाइस, एंड मिलते हैं एक दिन के बाद, अल्टरनेट डेज पे वीडियो आएंगे दैट्स फॉर श्योर। एंड अभी कल रात को न्यूज़ देख रहा था, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, आई डोंट नो कब तक हुआ है, लेकिन हाँ बहुत चीज़ें खुलेंगी इस बार एंड बहुत चीज़ें बंद होंगी। होप सो कि सब कुछ सही हो।